मेरे को एक स्लाइड बनाई थी स्पेन। अब आ रहा है स्प्रे। ये वाली स्लाइड कल हमने बनाई थी। अब जो है नेक्स्ट स्लाइड हम इसमें बना लेते हैं। इसकी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो ये वाली है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास बैकग्राउंड पे एक इमेज लगी हुई है, सेम टाइटल है और डिस्क्रिप्शन है और बटन है। बस इस तरह से हम लोग स्लाइड बना लेते हैं। ये कल हमने बनाई थी स्लाइड स्लाइडर, इसी को एडिट कर लेते हैं और इसी में न्यू स्लाइड हम जो है बनाएंगे। ये हमारे पास फर्स्ट स्लाइड थी, ठीक है। अब हम सेकंड स्लाइड बनाएंगे, तो यहाँ से हमारे पास न्यू वन न्यू स्लाइड लिखा हुआ है। हम इसमें क्या करते हैं, ऐड न्यू स्लाइड। हम इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। अब एक स्लाइड पहले वाली होगी, ये वाली है, यहाँ पर प्रीव्यू लोड करके दिखा देगा, ठीक है। और दूसरी स्लाइड ये जिस पर हम काम कर रहे हैं। अब ये दूसरी स्लाइड जो हमारे पास है उसमें बैकग्राउंड पर इमेज लगी हुई है। अब बैकग्राउंड पे हम सबसे पहले क्या लगा लेते हैं, इमेज। बैकग्राउंड इमेज लगाने के लिए हमें इस मेन्यू में आना पड़ता है, फिर बैकग्राउंड सेलेक्ट करना पड़ता है और यहाँ से सोर्स इमेज टाइप इमेज आ जाए, उसके बाद सोर्स हमारा मीडिया लाइब्रेरी, ये इमेज लगी हुई है बैकग्राउंड पे। अब इसकी हम पोजीशन सेट कर लेते हैं। बैकग्राउंड फिट कवर है हमारे पास, पोजिशन सेंटर है और नौ रिपीट है, ठीक है। ये तो सिंपल होगी इमेज। अब उस पर क्या लगी हुई है, एनिमेशन लगी हुई है, ऑटोमेटिकली जो है वो मूव हो रहा है। अब इसमें एनिमेशन लगाने के लिए हमें क्या आना पड़ेगा, ये एनिमेशन आ रहा है, ठीक है। फेड इन, हम इसको एनिमेशन जो है भी और लगा लेते हैं। इसकी हम क्या लेते हैं जी, इसमें स्लाइड सिंपल, तो ये स्लाइड होके आएगी। और अगर हम इसकी एनिमेशन चेक करें क्या एनिमेशन लगी हुई है, ये फेड इन की ही लगी हुई है एनिमेशन, देख रहे हैं आप। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो ये फेड की लगी हुई है। पहले फेड की लगी हुई थी, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर भी सकते हैं। बेसिक्स, फेड, फेड क्रॉस, फेड थ्रो, ठीक है, नो ट्रांजिशन भी आप सेट कर सकते हैं, लेकिन हम जो है फेड की लगा लेते हैं इसमें, सिंपल फेड की। अब ये तो होगी बैकग्राउंड पे। अब जो इमेज हमारी मूव कर रही है ना, ठीक है, अब हमें इमेज पे लगानी है जो है हमने एनिमेशन। तो यहाँ पे आ रहे की बर्न्स, इस पर चले जाएँ, की बर्न्स पे जाएंगे। एक तो होगा जूम, इमेज क्या होगी, जूम होना स्टार्ट हो जाएगी। हम कहते हैं कि लेफ़्ट पोजीशन से हमारे पास इमेज जो है जूम इन या जूम आउट हो। एनिमेशन प्ले, आई थिंक प्रीव्यू मोड में हमें यह दिखाएगा। ऑटो जो मूव भी नहीं हो रही, हम इसके कंट्रोल्स भी सेट कर लेते हैं। कंट्रोल्स में हमारे पास प्रोग्रेस बार है। हम कहते हैं कि हमें एरोज चाहिए। अब एरोज टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो, एरो टाइप यहाँ पे आ रहा है, हैज प्राइड इन, आप उसके अलावा भी सेट कर सकते हो। लेट्स से हम ये वाले यूज़ कर लेते हैं। लेफ्ट एरो की पोजिशन, मिडल डायमेंशन, या आप कॉन्टेंट में सेलेक्ट कर सकते हैं। अलाइनमेंट लेफ्ट राइट की हमारे पास राइट पे है, सेव। और अब जो है हम देखते हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकें। एरो हमारे पास आ गए, की बर्न इसमें अप्लाई नहीं हुआ अभी तक। की बर्न अगेन से हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बैकग्राउंड की बर्न ऑन, जूम फ्रॉम 100, ठीक है। मजीद जो है हम एनिमेशन की जो है ट्राई करते हैं इसमें लगाने की। कंटेंट Thank you.
डिज़ाइन है, और शायद जो है हमारे पास मेन वेबसाइट पे हो ये प्रीमियम नहीं हो रही थी अप्लाई। स्टार्ट 2500 से करें, हम कहते हैं 500 से कर दे, एंड जो है इतने पे गेन से प्रीव्यू करते हैं लूप मोड में। नहीं, इस पे भी अप्लाई नहीं हो रही। ये जो है हमारे पास अप्लाई हो गया लेकिन किसी तरह से काम नहीं कर रहा। हम जो है इसका स्लाइड का नेक्स्ट कंटेंट जो हमने ऐड करना है वो ऐड कर लेते हैं। अगेन से टाइटल, डिस्क्रिप्शन और बटन सेम है। ऐड लेयर हमें क्या चाहिए, हेडिंग चाहिए, हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारे पास हेडिंग आ गई। सपोज हमें इस तरह की जो है हेडिंग चाहिए, हमने हेडिंग सेलेक्ट कर ली। उसके बाद आप कंटेंट पे आ जाएंगे, इस पर क्लिक करके यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केन बर्न्स हीरो, ठीक है। लेकिन की बर्न्स है ना, केन बर्न्स जो हम अप्लाई कर रहे थे यहाँ से, लेकिन वो किसी तरह से अप्लाई नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे जाएँ तो केन बर्न्स पे परसेंटेज, चलिए जिसको 0% से कह लेते हैं कि ठीक है, जूम 400-200 कहते हैं कि जूम जो है ये हमारे पास 50% से हो। एक्स फ्रॉम टू 0 to 1 कह लेते हैं 1000 pixels। डेट पावर इन, क्या आप कोई भी पावर इन ऑफ क्या कर सकते हैं, इसका तो मतलब नहीं है। लेट्स सी अगर हम इसको यहाँ पे देखेंगे अपडेट करने के बाद अप्लाई होता नहीं होता। हम गेंद से लेयर पे आ जाते हैं अपनी, किन बर्न्स हीरो, यहाँ पे अपना टाइटल लिखते हैं, टाइटल आ गया। अब इसकी हमने जो है पोजीशन और अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। साइज एंड POS पोजीशन, अलाइनमेंट हमें चाहिए सेंटर में, और ये हमें कहाँ चाहिए, मिडल में। ये कहाँ पे आ गया, मिडल में आ गया हमारे पास। अब इसकी फॉर्म फैमिली हम चेक कर लेते हैं, फॉर्म फैमिली क्या है इसकी, एंटोन, कलर ब्लैक है हमारे पास, बैकग्राउंड कलर सॉरी ब्लैक, उसमें सेलेक्ट किया हुआ कलर वाइट है। लाइन ऑफ 100 pixels की, फॉर्म वेट 400 और फॉर्म साइज 100। स्टाइल, स्टाइल में से हमारे पास फॉर्म साइज कितना है, 100 pixels, ठीक है। फॉर्म फैमिली हम सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से, जो फॉर्म फैमिली आ गई, ठीक हो गया। कलर हमारे पास वाइट है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट ही इसका चाहिए हमें। अब ये तो आ गया इसके सेंटर में, लेट्स सी इफेक्ट अप्लाई हो गया हमें बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा है, इमेज का इफेक्ट अब आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये वाला इफेक्ट आ रहा है हमारे पास, लेकिन हमें दूसरा चाहिए था, बैकग्राउंड सेंटर में चाहिए हमारे पास 100 by 100, ठीक है। अगेन से हम अपनी लेयर पे आ जाते हैं। लेयर के नीचे हमारे पास क्या है, डिस्क्रिप्शन। यहाँ से आप ऐड लेयर पे आप वीडियो भी ऐड कर सकते हैं, ऑडियो भी ऐड कर सकते हैं, आइकन भी, आप एक रो भी क्रिएट कर सकते हैं। रो के अंदर आप डिफरेंट कॉलम्स ले लेंगे, उनके अंदर आप मुख्तलिफ पिक्चर्स भी शो करवा सकते हैं और प्रोडक्ट भी शो करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ से अगेन से टेक्स्ट, ये हमारे पास टेक्स्ट वाला एरिया आ गया। हम कहते हैं कि हमें ये जो है ये स्टाइल चाहिए, क्विक पॉपिंस फॉर्म फैमिली उसने अप्लाई कर दी। अगेन से हम इसके साइज में आते हैं, मिडल और सेंटर सॉरी, और ये मिडल हमें मिडल से बॉटम पे चाहिए। ये जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं इसका,
फर्स्ट टेक्स्ट आ रहा है। कॉपी कंटेंट में आके पेस्ट, और इसके बाद एक लाइन ब्रेक चाहिए। लाइन ब्रेक ये देखिए बी आर में लिखा हुआ है। लाइन ब्रेक के बाद हमें इसे कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब ये हमारा टेक्स्ट आ गया। इसके लाइन में हम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आपने इसकी इसको स्टाइल देखनी है, इसकी स्टाइल क्या दी हुई है, स्टाइल देख लेते हैं। कलर वाइट है, फॉर्म फैमिली मस्त, फॉर्म साइज 17 and 400। अगेन स्टाइल ये हमारे पास 17, फॉर्म फैमिली मस्त सेलेक्ट कर लेते हैं जी। ठीक है, फॉर्म कलर वही आ गया, फॉर्म रेड हमारे पास सेम। थोड़ा सा बॉटम पे लाइन कर लेते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, लेकिन ये सेंटर से थोड़ा टॉप पे है, इसको टॉप पे ले जाते हैं थोड़ा। तो यहाँ पे इसके नीचे हम बटन लेते हैं, ऐड लेयर बटन। बटन हमें किस तरह का चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जैसे बटन चाहिए। इसको तो हमें ये वाला चाहिए, ये बटन आ गया हमारे पास। उस बटन की जो है आप उसको मिडल सेंटर में लाइन कर लें, सेंटर में हो गया। इसे भी सेंटर में कर लेते हैं और इसे भी सेंटर में कर लेते हैं। अब बटन पे लिखा हो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे कंटेंट में आएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, इसके स्टाइल में आ जाते हैं। स्टाइल में इसकी फॉन्ट साइज आ रहा है, वही स्टाइल की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये टेक्स्ट का कलर है, टेक्स्ट का कलर यहाँ मेरे पास वाइट है, बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट है। यहाँ से बैकग्राउंड कलर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, वरना ट्रांसपेरेंट कर दें इसे। ये ट्रांसपेरेंट हो गया। इसमें हमें बॉर्डर का कलर चाहिए, बॉर्डर मेरे पास ट्रांसपेरेंट है। बॉर्डर कलर हमें क्या चाहिए, वाइट। बॉर्डर कलर वाइट आ गया, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड। टॉप बॉटम ये देखेंगे, टॉप से आ रहा है, ये राइट से, ये बॉटम से और ये लेफ्ट से। हमें टॉप बॉटम 2 पिक्सल चाहिए। ठीक है, 2 पिक्सल का वापस बॉर्डर आ गया। अब अगर हमने इस पर लिंक लगाना है, लिंक कैसे लगाएंगे, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे, कंटेंट प्लेस होल्डर लाइन ब्रेक उसने ऑटोमेटिकली लगाया हुआ है। कन्वर्ट टेक्स्ट टू लेयर, पावर का कलर हम इसका चेंज कर लेते हैं। पावर का हमारे पास कोई कलर नहीं है, और का ऑप्शन ये आ रहा है, कलर मिल नहीं रहा था, और का ऑप्शन ऐसे ही है ना। हम एडवांस स्टाइल्स में से साइज एंड पोजीशन स्टाइल में से ढूंढने तक गए थे, लगे और के सामने कड़ा ऑप्शन। बैकग्राउंड कलर हमारे पास ट्रांसपेरेंट, ठीक है, और बॉर्डर कलर हमें वाइट चाहिए। 3 पिक्सल आ रहा है, बॉर्डर स्टाइल सॉलिड, और ये हमें 2 पिक्सल चारों का ठीक हो गया। अब इस पर लिंक लगा देते हैं। लिंक आता है हमारे पास एक्शन में, क्योंकि जब भी हम इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये एक्शन परफॉर्म होगा। एक्शन आ रहा है हमारे पास, ये आप इस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे देखें बटन 1 ट्रिगर्ड बाय, आप मेन्यू हुए लिंक लगा सकती हैं या आप कोई और लिंक लगा सकते हैं। ये जंप टू नेक्स्ट स्लाइड, यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं क्या आ जाता है, नेक्स्ट स्लाइड। हम कहते हैं कि जंप टू नेक्स्ट स्लाइड, ऐड हो गया। ठीक है, इंटरैक्शन एक्शन टाइप जंप टू नेक्स्ट स्लाइड, हम जो है ना ऐड एक्शन टू बटन 1। ठीक है, अब ये एक और हो गया सिंपल लिंक, आप लिंक भी यहाँ पे लगा सकते हैं, लगाना चाहिए। फिलहाल ये हमने ये लिंक लगा दिया है, ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं और इसे सेव कर लेते हैं। रिव्यू, ये नेक्स्ट स्लाइड हमारे पास आ गई। ठीक है, लेकिन इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसमें हमने कुछ एनिमेशंस देख लेते हैं, इसकी एनिमेशंस कौन सी लगाई हुई है इसने। एनिमेशन टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाई हुई है इसने, बस टेक्स्ट पे जो है ना हम एनिमेशन लगा लेते हैं। ये हमारे टेक्स्ट की लेयर है, ये आ रहा है हमारे पास एनिमेशंस। एनिमेशन सिर्फ लगी हुई है लेटर्स पे, इसको कहते हैं लेटर्स ट्रांजिशन। इन यहाँ पे हमारे पास लेटर ट्रांजिशन है, इस पर क्लिक करके फ्लॉट लेफ्ट, ये भी नहीं है, फ्लॉट फ्रॉम टॉप
नो वाटर नो, ठीक है। अब उसमें एग्जैक्ट हमें जो है उसका वो नहीं पता है, उसका नाम मास ट्रांजिशंस, इसकी जो हम ट्रांजिशन देख लेते हैं इसने क्या नाम दिया हो। वैसे स्प्लिटेड वर्ड्स यहाँ से हमने एनिमेशन ढूंढनी है। लेटर ट्रांजिशंस, फ्लॉप ट्रांजिशन, रैंडम में ये है कि किसी भी तरह की रैंडम ट्रांजिशन जो है ना हमारे पास आ जाएगी। कस्टम में सेव करो टेम्पलेट ब्लॉक, कस्टम हमारे पास नहीं है। चलें हम मज़ीद भी चेक कर लेते हैं इसमें नॉन बोनस ये स्टेशन स्लाइड स्क्यू सिंपल ट्रांजिशन ट्रांजिशन उसने कोई मेरे ख्याल से कोई और ट्रांजिशन यूज़ की हुई है। हम यही वाली जो है फ्लिप वाली यूज़ कर लेते हैं, इसमें फ्लिप हो के हमारे पास जो है शो होता है। लेट्स सी ठीक है। अब हमारे पास ड्यूरेशन है इसकी 1750, हम ड्यूरेशन कम कर लेते हैं, कह देते हैं कि 900 चाहिए, 950 मतलब कि एक सेकेंड्स तक ऑलमोस्ट। स्टार्ट ज़ीरो से वो ईज इन आउट कहते हैं कि ईज जो है ना हमारे पास डिफ़ॉल्ट। उसके बाद लेयर्स पे लगानी है या करेक्टर्स पे लगानी है या वर्ड्स पे, हम कह लेते हैं कि करेक्टर्स पे लगानी है। स्प्लिट करेक्टर्स जी बिल्कुल स्प्लिट करेक्टर्स, फ्रॉम मिडल्स टू एज जी बिल्कुल मिडल्स टू एज, या बैकवर्ड्स या फॉरवर्ड या एज टू मिडल, मिडल टू एज भी कह सकते हैं या एज टू आप मिडल भी कह सकते हैं या रैंडम भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको सेव करते हैं और अगेन से इसे देखते हैं। ये हमें लेटर्स पे लगती है, अब करेक्टर्स जो अलग अलग से करेक्टर्स लिखे हुए हैं के ई एन वाले, ठीक है। उसके बाद हमें टेक्स्ट का नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इसका क्या आ रहा है, ओवरले आ रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे फ़र्क है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक है लेकिन यहाँ पे ब्लैक नहीं है। अब ओवरले आप कैसे लगाएंगे, हमारे पास बैकग्राउंड की जो इमेज है हमें यहाँ पे लेके लेनी पड़ती है लेयर। लेयर में हम क्या लेते हैं, शेप। जो शेप हमने ली है अब इसको क्या करना है, हमने पूरी स्लाइड पे लगा देना है। तो इसका Z इंडेक्स क्या कर देंगे, ज़ीरो। ट्रैक ऑप्शन यहीं पे दिया है उसने, एक सीन लगा।
इसकी स्क्रीन अगर बड़ी होगी आपके कंप्यूटर की तो आपको सही नज़र आएगा। अब ये जो हमारे पास शेप है, इसके हम एडवांस स्टाइल में जाते हैं, हमने जो इसका जी इंडेक्स है ना वो हमने ज़ीरो करना है, ठीक है। इसको हम कर देते हैं ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो हमने कर दिया इफ़ेक्ट। और उसके बाद इसका शेडो कलर आप देना चाहें तो कलर दे सकते हैं, स्टाइल में से जाके हम इसको थोड़ा कलर दे देते हैं यहाँ से, ताकि कम ब्लैक हो हमारे पास, ओपेसिटी 14%। हमारे इंडेक्स का कम करने से गायब भी हो गया वो, ठीक है। टेक्स्ट भी रीडेबल है। अच्छा, शेप हमने लेनी थी सबसे पहले, लेकिन हमने क्या लिया, सबसे एंड में लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, बैकग्राउंड बटन है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट है। हम क्या करते हैं, उसको उठा के बॉटम पे ले आते हैं, ठीक हो गया। बॉटम पे ले आए, इसके ऊपर टेक्स्ट आ गया, इसके ऊपर अगेन से टेक्स्ट आ गया, और इसके ऊपर अगेन से बटन आ गया। अब ये हमारे पास आपको वाजे नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एक स्लाइड होगी। उसके बाद पहले भी हमारी एक स्लाइड बनी हुई थी, स्लाइड वन। इस बटन पे जो है हम अगेन से लिंक लगा लेते हैं एक्शंस। हमें कहाँ पे जाना है, जंप टू नेक्स्ट स्लाइड, जंप टू स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है, सेव। अब जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे, और यहाँ पे हम नेक्स्ट स्लाइड्स अगर देखते हैं, इस पर लगी हुई है वीडियो, ये वीडियो हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस पर एक इमेज लगी हुई है, ओवरले, इमेज ओवरले, ठीक है। उसके बाद इस पर वीडियो लगी हुई है इस स्लाइड पे, ये हमें वीडियो यहाँ से दे दे सही। ये हमारे पास ये तो इमेज है, ये हमारे पास वीडियो आ रही है, पे आ जाते हैं। गेंद से हमने क्या करना है, स्लाइड ऐड करनी है, ऐड न्यू स्लाइड। बैकग्राउंड में हमारे पास क्या है, वीडियो, यहाँ पे वीडियो ही ऐड करनी है। बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट, हमारे पास क्या चाहिए, वीडियो चाहिए, HTML वीडियो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ पे आपने वीडियो सेलेक्ट कर लिया, आप उसका लिंक दे दें डायरेक्टली, ये उस पर अपलोड कर देगा। कम ऑन, लिंक को बंद करो भाई, HTML5, क्योंकि HTML5 की वीडियो है ये, हमारे पास YouTube पे अपलोडेड नहीं है। अगर आप YouTube की वीडियो होगी तो आप YouTube से इसे अपलोड कर सकते हैं, सिंपल URL आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। WordPress इंस्टॉलेशन का तरीका आता है आपको, WordPress इंस्टॉल कर लेते हो? नहीं, चलिए एस्पेक्ट रेशो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, वैसे आपको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो है सेलेक्ट हो जाएगी। फोर्स कवर मोड जी, बिल्कुल हमें कवर मोड पे चाहिए। अगर आप ये कवर मोड सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपके कोई ना कोई स्पेस खाली रह जाएगी इस एस्पेक्ट रेशो की वजह से। ओवरले नन, ओवरले आपको सेलेक्ट करना है, आप 2x2 ब्लैक का सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ और भी, लेकिन हम फिलहाल यहाँ सेलेक्ट नहीं कर रहे। हमें ओवरले में क्या चाहिए, इसकी इमेज चाहिए, पोस्टर इमेज, ठीक है। ओवरले एज अ यूज करेंगे पोस्टर इमेज,
वीडियो लोड होने से पहले क्या नज़र आएगी हमें, ये वाली इमेज नज़र आएगी वीडियो प्रीव्यू के नाम से। अब इसको करते हैं हम सेव और इसे करते हैं व्यू। अगर वीडियो हमारे पास लोड हो गई है तो नेक्स्ट स्लाइड, इनसे नेक्स्ट स्लाइड, पहले वाले पे आ गए, ये वीडियो आ गया हमारे पास, ठीक है। इस पर टेक्स्ट भी आप उसी तरह से ऐड कर सकते हैं जैसे हमने पिछली स्लाइड पे ऐड किया है। अगर नेक्स्ट स्लाइड हम इसकी देखें तो नेक्स्ट स्लाइड ये वाली है, ये अलग से इमेज है और बैकग्राउंड पे अलग से इमेज है। ये कैसे ऐड करोगे आप बताओ ताहिर। बिल्कुल, जैसे हमने सबसे पहले जो स्लाइड बनाई थी ये वाली, ये इमेज अलग से थी, ये इमेज अलग से है, ये चेयर अलग से है, ये अलार्म अलग से है, डेस्क अलग से है, ऐसे ही है ना। इसी तरह से हम ऐड करेंगे एक एक चीज़ अलग से, ठीक है। अब उसमें लगा हुआ था माउस ट्रैक का इफेक्ट, आप जैसे ही इस पर इमेज पर जाएँ तो क्या करता है माउस ट्रैक का इमेज जो है ना हावर कर रही है ये वाली, ठीक है। तो इस तरह आप लगा सकते हैं, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे हावर के ऑप्शन पे आ जाएं, कर्सर ऑटो पॉइंट इवेंट ऑटो एनिमेशन आप डिसेबल की या आप एनेबल कर दें। अब एनिमेशन जो है ना आपने क्या करवानी है, आप एनिमेशन सेलेक्ट करते हैं, ईज़ इन ईज़ आउट या ईज़ इन, या आपकी मर्ज़ी, ऐसे रोटेट करवाना है रोटेट करवा लें, सॉरी इज़ इंडेक्स आ गया। उसके बाद कवर, यहाँ पे स्टाइल ट्रांसपेरेंट फिल्टर लूप एनिमेशन टाइमलाइन एनिमेशन माउस ट्रैक हावर का ऑप्शन तो यही है हमारे पास, एनिमेशन एनेबल और ब्रेक स्टॉप, उसको कहते हैं माउस ट्रैक का ऑप्शन। शेप कॉर्नर्स आई होप कैसे लग गया होगा, लेट्स सी इसे देखते हैं। ऑप्शन इसी में आवर में यहाँ पे कर्सर पॉइंटर पॉइंटर इवेंट ऑटो एनिमेशन एनिमेट इसी में आनी चाहिए। अगर आपने स्क्यू करना है आप जो है 50% तक स्क्यू कर सकते हैं, जैसे माउस आवर करेंगे क्या हो जाएगा, स्क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बटन पे वैसे इफेक्ट लगता होता है, खैर इसकी वो क्या नाम है माउस ट्रैक वाली मैं आपको देख के बता दूंगा, पर अब होती हावर में ही है। सो कहते हैं माउस ट्रैक, आप जिस तरह माउस लेके जाते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, जैसे कि हमने एलिमेंटर में देखा था सेम उसी तरह से। ये आप स्लाइड्स बनानी है आपने इस टेम्पलेट्स की तो नहीं, आप मज़ीद टेम्पलेट्स जो है ना एक्सप्लोर कर लें, उनमें से किसी एक टेम्पलेट्स की आपने 3 से 4 स्लाइड्स बनानी है। बल्कि मैंने प्रोडक्ट ऐड करके नहीं दिखाया, आप कोशिश कीजिए कि जो प्रोडक्ट ऐड कर सकें इसमें। प्रोडक्ट कैसे ऐड होंगे, ऐड लेयर यहाँ पे जो है रो ऐड कर लेंगे, रो के अंदर आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे दो, ठीक है, सेक्शन बन जाएगा। अब फर्स्ट कॉलम में आप एक इमेज ले लेंगे, जो आपका सेकंड कॉलम होगा उसमें क्या आ जाएगा, टाइटल आ जाएगा हमारे पास, टाइटल के बाद डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, उसके बाद बटन प्राइस आ जाएगी, उसके बाद बटन आ जाएगा, ठीक है। तो बटन जो होगा वो ऐड टू कार्ड मतलब कि प्रोडक्ट के पेज पे ले जाएगा ऐड टू कार्ड के, उसमें आप इसको डायनामिकली अगर लेके आना चाहें तो डायनामिकली भी आप लेके आ सकते हैं, पर डायनामिकली ये सही नहीं रहेगा, आपने यही करना है कि टेक्स्ट खुद से लिखना है इसमें।
अगर प्रोडक्ट्स की आप यहाँ पे देखें स्लाइड्स, प्रोडक्ट्स की स्लाइड्स थी, जैसे कि ये हमारे पास स्लाइड है प्रोडक्ट की, देख रहे हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग की वेबसाइट्स होती है उन पर स्लाइड्स बनती होती है, इमेज अलग से लगी हुई है। हाँ जी, दो रोज हैं आपके पास, ठीक है, एक रो है, सॉरी एक रो के अंदर दो कॉलम है, एक हमारे पास लेफ्ट वाला एक राइट वाला। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप कॉलम ना लें, आप सिंपली अगर इसको डिज़ाइन कर सकते हैं इस तरह से, तो आप कर लें पोजिशन की जो है अलाइन करके, कॉलम वाला इजी रह जाएगा, कॉलम में कर लें आप, ठीक है भाई।